गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने सेल साइकिल के बारे में डिस्कस किया था कि एक जो सेल साइकिल होता है उसकी दो मेन फेजेज होती है, जिनमें से फर्स्ट होती है इंटरफेज और दूसरी होती है एम फेज। इंटरफेज में सेल डिवीजन नहीं करती है, बल्कि डिवीजन के लिए नेसेसरी जो सब्सटेंस है उन सब्सटेंस को सिंथेसिस करती है। जैसे इसमें आरएनए सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, जबकि जो एम फेज है इस एम फेज के अंदर सेल कंप्लीटली सेपरेट हो जाती है टू सेल्स के अंदर। हमने लास्ट वीडियो में इस इंटरफेज की सब फेजेस को भी स्टडी किया था, जिसमें कौन कौन सी थी। द फर्स्ट इज जी1, जिसमें आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सेकंड इज एस, जिसमें डीएनए सिंथेसिस होता है। और थर्ड इज G2, जिसमें फिर से आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसके अलावा एम फेज के अंदर इसकी वास्तविक सेल डिवीजन माना जाता है इसको, और इसके अंदर सेल के अंदर दो न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं और फाइनली साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बाद में टू सेल्स से फॉर्म हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम इस एम फेज को स्टडी करेंगे, जिसमें ये एम फेज जो आती है वो दो टाइप से आती है, यानी कि सेल डिवीजन में दो टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। तो स्टूडेंट्स, माइटोसिस से सभी जितने भी वेजिटेटिव सेल्स हैं या सोमेटिक सेल्स बोल सकते हैं हमको, हम इनको सोमेटिक सेल्स के अंदर हमेशा माइटोसिस ही होता है। इसमें एक सेल से टू सेल्स फॉर्म होती है और दोनों सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम उस मदर सेल के इक्वल होता है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर रहता है डॉटर सेल्स के अंदर। तो ये जो माइटोसिस है इसको हम दो स्टेप में स्टडी करेंगे। द फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस। स्टूडेंट, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, मींस एक जो मदर सेल है उस मदर सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और दो डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। और जब एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं, उसके बाद में उस सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइडेशन करता है और उस सेल को टू सेल्स में सेपरेट कर देता है, तो हम इनकी वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कैरियोकाइनेसिस। देखिए स्टूडेंट, कैरियोकाइनेसिस की फोर स्टेप होती है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस की चार सब फेजेस होती है। हम बोल सकते हैं कि ये चार स्टेप द्वारा टू न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो फोर स्टेप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए पहली है प्रोफेज, दूसरी है मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और चौथी कौन सी है टेलोफेज। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं प्रोफेज। देखिए स्टूडेंट, डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं यहाँ पर। इससे पहले हम थोड़ा सा इंटरफेज के ऊपर चलते हैं कि हमने इंटरफेज में स्टडी किया था कि इंटरफेज में जो डीएनए है वो जस्ट डबल हो जाता है, इसके अलावा आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर जो आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है G2 फेज में, वो इस सेल को डिवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर जो इंटरफेज है उसके अंदर क्रोमोसोम्स डबल नहीं होते हैं, बल्कि उन क्रोमोसोम का जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो जस्ट डबल हो जाता है और उसके कारण उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेज में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का फर्स्ट फेज है फॉलोड बाय G2 फेज, यानी कि G2 फेज के बाद का। इट इन्वॉल्व फॉलोइंग इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं यहाँ पर है। देखिए पहला है जो इनिशियल स्टेज है इसकी, इसमें कंडेंसेशन होता है। ध्यान कर लेना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसका कि क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है और कंडेंसेशन के कारण क्रोमोसोम्स रोड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। आपने पढ़ा है न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर यहां पर बहुत सारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, इनको हम बोल सकते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। तो क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन फाइबर, तो ये क्रोमेटिन फाइबर्स का धीरे धीरे कंडेंसेशन होगा और ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन हुआ और ये छोटे और मोटे होने लगे। इसके बाद में देखें मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल। स्टूडेंट, सेल एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है,
ये सेंट्रोसोम टू सेंट्रियोल में कन्वर्ट हो जाता है और ये दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये सेंट्रोसोम है और सेंट्रोसोम ने टू सेंट्रियोल में डिवाइडेशन कर लिया और ये सेंट्रियो जो सेंट्रियोल है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये इस डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा और फाइनली ये जो सेल है उस सेल के दोनों पोल्स के ऊपर आकर के अरेंज हो जाते हैं। तो आफ्टर द एंड ऑफ प्रोफेज यानी कि लास्ट तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गॉल्गी कॉम्प्लेक्स डिसअपीयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये उस सेल से विलुप्त हो जाते हैं, धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए प्रोफेज के हमने तीन डायग्राम लिए हैं। यहाँ पर ये अर्ली प्रोफेज है और अर्ली प्रोफेज में हमने इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अपीयर कर रखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें दिख रही है। ये मिड प्रोफेज यानी कि प्रोफेज के बीच की स्टेज आ गई, इसके अंदर हमने यहाँ पर दिखा रखा है, देखिए डॉटेड स्ट्रक्चर है, जिसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे यहाँ से डिसअपीयर हो रही है। ये जो न्यूक्लियोलस है ये भी यहाँ से धीरे 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 डिसअपीयर होगी और जो प्रोफेज की लास्ट स्टेज है इसको बोलते हैं लेट प्रोफेज। और लेट प्रोफेज तक हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम थे, इस डायग्राम में जो क्रोमोसोम थे उनमें ज्यादा मोटे क्रोमोसोम इसमें है, इससे ज्यादा मोटे क्रोमोसोम इसमें हो जाते हैं। और इसके अलावा ये जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम के दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स के ऊपर आकर के अरेंज हो गए। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इसका सेंट्रियोल है और ये इसका सेंट्रियोल है, तो दोनों सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स के ऊपर आकर के मूव हो गए, अरेंज हो गए सॉरी। और अरेंज होने के बाद में इनमें यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर है हमने जो कि लाइन के रूप एक रेज के रूप में, ये इस सेंट्रियोल्स की एस्ट्रल रेज होती है और ये एस्ट्रल रेज क्या करती है, ये स्पेशल टाइप के फाइबर्स फॉर्म करती है और इनको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम बोलेंगे स्पिंडल फाइबर्स। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं इस तरह से यहां से, तो इनसे क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं, क्रोमोसोम में जुड़ने लग जाते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में हमने यहाँ पर ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाया है और ना ही जो न्यूक्लियोलस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गॉल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये लगभग सभी जो सेल ऑर्गेनेल हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। कब तक? प्रोफेज के एंड तक। अब इसके बाद की जो स्टेप आती है वो आती है मेटाफेज। देखिए मेटाफेज के अंदर मैक्सिमम कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम और फाइनली जितनी क्रोमोसोम की मोटी शेप होनी होती है वो इसी स्टेज में हो जाती है। और अगर हम स्टडी की दृष्टि से अगर देखें तो क्रोमोसोम की स्टडी के लिए मेटाफेज बेस्ट मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसी स्टेज में क्रोमोसोम मैक्सिमम मोटे और छोटे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इट स्टार्ट कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। द मोस्ट सूटेबल स्टेज फॉर स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि क्रोमोसोम के लिए ये मोस्ट सूटेबल स्टेज होती है स्टडी के लिए। अब यहाँ पर इसका जो कौन कौन सी जो घटनाएं हैं वो इसके अंदर होती हैं, तो सबसे पहले हम देखें इसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल्स, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है इनटू ए कॉम्पैक्ट एंड डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम से, यानी कि एक फिक्स शेप वाले मोटे और छोटे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। स्टूडेंट हमने इंटरफेस में देखा था कि डीएनए डबल हो जाता है तो उससे क्रोमोसोम्स का नंबर नहीं बढ़ता है बल्कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स यहां पर हम देख सकते हैं कि ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स होते हैं, ये एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स होते हैं, तो ये बीच का जो पार्ट है यहाँ पर एक इंडेंट बनता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो जब सेल डिवीजन करते हैं तो डिवीजन के समय इसके अंदर क्रोमेटिड्स और फॉर्म हो जाते हैं, इनको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दो क्रोमेटिड्स हो गए और ये दोनों क्या हो गए? सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म हो जाते हैं इसके अंदर एंड अटैच्ड विद स्पिंडल फाइबर विद सेंट्रोमियर। ये जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो यानी कि
जो क्रोमोसोम से है उनका सेंट्रोमियर पार्ट किससे अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा आपके स्पिंडल फाइबर से। यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर के इंडिकेट कर रखे हैं, ये हमने स्पिंडल फाइबर्स बना रखे हैं जो कि कहाँ से निकलते हैं, ये हो जाएगा आपके सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म कर दी है। और ये स्पिंडल फाइबर से किससे, क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से अटैच हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ में इसकी बीच में, सेल के बीच में मिडिल प्लेट बोल सकते हैं, या हम इसको मेटाफेज प्लेट भी बोल सकते हैं, के ऊपर ये अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्रोमोसोम्स अरेंज एट सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर ऑफ द सेल जिसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट या मिडिल प्लेट भी हम बोल सकते हैं। यानी कि जो क्रोमोसोम है वो अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ में सेल के बीच में अरेंज हो जाते हैं। अब इसके बाद में क्या होगा, थर्ड जो स्टेप आती है इसकी एनाफेज। देखिए एनाफेज में क्या होगा, यहां पर हम देख सकते हैं एनाफेज के अंदर ऊपर एक बार मेटाफेज के अंदर देखते हैं कि मिडिल प्लेट के ऊपर या मेटाफेज प्लेट के ऊपर ये क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए। अब जैसे ही एनाफेज स्टार्ट होगी तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर इनमें सिस्टर क्रोमेटिड्स बने हुए हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इन स्पिंडल फाइबर्स में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है। जब इनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है तो ये अपोजिट वॉल्स की ओर खींचते हैं, यानी कि ये जो स्पिंडल फाइबर है यहाँ से ये इस डायरेक्शन में खींचेगा, ये इस डायरेक्शन में खींचेगा और ये इस डायरेक्शन में खींचेगा। तो यानी कि एनाफेज के अंदर क्या होगा, फाइनली दोनों ओर जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो कॉन्ट्रेक्शन में स्पिंडल फाइबर्स क्यों खींचेंगे, तो खींचने के कारण क्या होगा, इनके अंदर जो सेंट्रोमियर है वो सेंट्रोमियर यहां से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहां पर मैं बता देता हूं आपको एक बार, देखिए यहां पर ये सेंट्रोमियर है और ये इसे ये मान लिया सिस्टर क्रोमेटिड और ये पैरेंट क्रोमेटिड या क्रोमेटिड, यहां से ये जुड़ गया और यहां से ये जुड़ गया, यानी कि एक ही क्रोमोसोम के अंदर फोर क्रोमेटिड्स बन गए। अब यहां से स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है, यहां से स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है। अब इधर वाले जो स्पिंडल फाइबर है इसके अंदर इधर की ओर कॉन्ट्रेक्शन होगा और इधर वाले में इधर की ओर कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो फाइनली क्या होगा, फाइनली ये यहां से ये जो सेंट्रोमियर है वो यहां से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो टूटने के कारण क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स एक पोल की ओर अरेंज हो जाएंगे और जो क्रोमेटिड है वो दूसरे पोल की ओर अरेंज हो जाएंगे। तो एनाफेज में यही हुआ है कि सेंट्रोमियर टूट गया, सेंट्रोमियर के टूटने के बाद में स्पिंडल फाइबर के कॉन्ट्रेक्शन के कारण ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स कहां हो गए, ये पॉल्स की ओर अरेंज होने लग जाते हैं, पॉल्स की ओर मूव करने लग गए। तो देखते हैं यहां पर एनाफेज में इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप, स्प्लिट्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स एट सेंट्रोमियर इनटू टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो स्प्लिट्स हो रही है। इसके अलावा बोथ क्रोमेटिड्स यानी कि हम बोल सकते हैं टू क्रोमेटिड्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल, दो क्रोमेटिड पोल्स की ओर मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम इनको सिस्टर क्रोमेटिड या पेरेंट क्रोमेटिड नहीं कहेंगे बल्कि ओनली ये क्रोमेटिड है, क्योंकि ये इस स्टेज पर आने के बाद में अपनी अलग से पहचान बना लेते हैं। तो बोथ क्रोमेटिड्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, द एनाफेजिक क्रोमोसोम अपीयर वी शेप। यहां पर ध्यान कर लेना, अगर क्रोमोसोम की स्टडी करनी है, सॉरी क्रोमोसोम की शेप की स्टडी करनी है, तो उसके लिए हम कौन सी फेज का सिलेक्शन करेंगे, तो वो है आपके एनाफेज, क्योंकि इस फेज में ये जो क्रोमोसोम है या तो ये वी शेप या फिर एल शेप दिखते हैं। उसका रीजन यह है कि मान लिया यहां पर सेंट्रोमियर जुड़ा हुआ है क्रोमेटिड्स, तो कॉन्ट्रेक्शन कहां से हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन यहां से हो रहा है, यानी कि पॉल्स की ओर पहले कौन गया, पहले गया आपके सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर पहले गया तो इसके जो क्रोमेटिड्स हैं वो नीचे की ओर रह जाते हैं, तो इसलिए इस कंडीशन में या बी या एल शेप पे ये अपीयर होते हैं। इसके अलावा इसकी जो फोर्थ स्टेज है वो है टेलोफेज। देखिए ये कैरियोकाइनेसिस की फाइनल स्टेज होती है, लास्ट स्टेज होती है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, देखिए यहां से एनाफेज के अंदर इनके स्पिंडल फाइबर्स के अंदर जब कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो ये
पॉल्स की ओर मूव कर रहे हैं, यहां से ये पॉल्स की ओर, इधर वाले इधर पॉल्स की ओर मूव कर रहे हैं, तो एनाफेज तक यानी कि एनाफेज में ये फाइनली पॉल्स की ओर पहुंच जाते हैं। यहां पर हमने दो डायग्राम बना रखे हैं, देख सकते हैं यहां पर ये टू डायग्राम है और दोनों ही हमने इस एटीलोफेज के लिए हैं। तो देखें यहां पर इसमें ये फर्स्ट डायग्राम है, इसमें ये क्रोमोसोम से फाइनली कहां आ गए, ये पॉल्स के ऊपर आ गए, छोटे छोटे स्पिंडल फाइबर्स बनाए हैं हमने, ये भी फाइनली क्या हो जाते हैं, ये डिसअपीयर हो जाते हैं और क्रोमोसोम इसके अंदर क्या हो जाते हैं, बिल्कुल पतले होने लग जाते हैं और लंबे होने लग जाते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैरियोगेनेसिस, इट इन्वॉल्व क्रोमोसोम्स रीच एट अपोजिट डायरेक्शन और पॉल्स चूज एंड चूज इट्स आइडेंटिटी एट डिस्क्रीट यूनिट, यानी कि अपने अलग से एक पहचान बना लेते हैं, यानी कि अब हम इनको सिस्टर क्रोमेटिड या पेरेंट क्रोमेटिड नहीं कहेंगे बल्कि ये क्रोमेटिड है। इसके अलावा देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने रीअसेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, जो क्रोमोसोम्स का क्लस्टर है उसके चारों ओर यहां, इसलिए हमने यहां पर दो डायग्राम बनाए हैं। देखिए इस डायग्राम में ये जो क्रोमोसोम है वो इसकी ओर पहुंच चुके हैं और फाइनली ये जो स्पिंडल फाइबर है ये डिसअपीयर हो जाते हैं, धीरे-धीरे इनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है और न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी सेल ऑर्गेनेल वापस से रीअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि टेलोफेज के लास्ट तक एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। यहां पर आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस फर्स्ट हो गया और ये न्यूक्लियस से सेकेंड हो गया। अब फाइनली क्या होगा इसके बाद में, यानी कि अब एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस फॉर्म हो गए, तो अब ये जो सेल है वो अपने साइटोप्लाज्म पर, यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरी की पूरी सेल है, तो ये न्यूक्लियस बाकी जो पार्ट बचा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा साइटोप्लाज्म। तो अब ये सेल क्या करेगी, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेगी, और साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है उस डिवीजन को हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हमने कैरियोकाइनेसिस की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनको स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो साइटोकाइनेसिस है यानी कि साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये एक सेल है वो अपने साइटोप्लाज्म का डिवीजन कर दी है, और प्लांट सेल में अलग मेथड से होता है, एनिमल सेल में अलग मेथड से होता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।